नमस्कार, मैं राहुल और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। आज आपको वहां लेके चलते हैं जहां से राजस्थान में भूचाल आ चुका है, जिसने राजस्थान की सियासत में हड़कंप तक मचा दिया है, जहां राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से उठा पुतल देखने को मिली है। जी हां, आपने सही सुना, उठा पुतल। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा पर एक बड़ा आरोप लगाया है। डोटासरा का कहना है कि भाजपा मंत्रियों के विशेष सहायक यानी SA मंत्रियों की जासूसी कर रिपोर्ट दिल्ली भेज रहे हैं। मंत्री के इस बयान के बाद से ही लगातार राजस्थान का सियासी पारा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और राजस्थान के सियासी गलियारे में सनसनी तक फैल गई है। इस आरोप के बाद भाजपा की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है, जिसमें PhD मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने डोटासरा पर सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि डोटासरा सत्ता से बाहर होने के बाद अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। चर्चाओं में बने रहने के लिए वे नौटंकी भरे बयान हमेशा देते हुए नजर आते हैं। क्या कुछ वो पूरा बयान है जिसके बाद राजस्थान में सनसनी फैलती हुई नजर आ रही है, एक बार वो भी सुनिए। आपस में सरकार में सामंजस्य नहीं है, ब्यूरोक्रेसी हावी है, MLA मंत्रियों को पूछो कि हमारी चलती नहीं है, मंत्रियों के ऐसे उनके मुताबिक लगे नहीं है। जो मंत्रियों के ऐसे लगे हैं वो मंत्रियों की जासूसी कर रहे हैं और दिल्ली या ब्यूरोक्रेसी के सुप्रीमो को रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये फाइल आई है, ये इधर जा रही है, ये उधर जा रही है, मंत्री इस पे ये देख रहा है, ये पूछ रहा है, ये कर रहा है। तो ये तो प्रजातंत्र का घोर अपमान है, प्रजातंत्र की हत्या है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के इस बयान के बाद से ही भाजपा की प्रतिक्रिया सामने आई, जहाँ PhD मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने डोटासरा पर निशाना साधते हुए कहा कि डोटासरा सत्ता में बाहर होने के बाद अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। चर्चाओं में बने रहने के लिए वे नौटंकी भरे बयान देते रहते हैं और चौधरी ने जोर देकर ये भी कहा कि भाजपा की भजनलाल सरकार अपने ऐतिहासिक निर्णयों के साथ साथ अपने संकल्प पत्र की अधिकांश घोषणाओं को पूरा करने के लिए जुटी है। और चौधरी यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में पर्चियों पर लिख कर रिश्तेदारों को नौकरी दी जाती थी, लेकिन अब भाजपा सरकार ने व्यवस्थाओं में बदलाव किया है। हम राजस्थान को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, इनमें पारदर्शिता भी है। कोई पेपर माफिया अब हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। इसके लिए SIT का भी गठन किया गया है और आज पेपर लीक में शामिल लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं। डोटासरा को समझना चाहिए कि अब पर्चियों पर लिखकर अपने रिश्तेदारों को अफसर बनाने वाले दिन गए। कन्हैयालाल चौधरी ने जोर देते हुए ये भी कहा कि पिछले 6 महीने में छोटी बड़ी 90 से अधिक प्रतियोगी परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से सम्पन्न हुई है और किसी भी परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ है। भाजपा सरकार ने अपने 6 महीने के कार्यकाल में किए गए वादों को पूरे किए हैं, चाहे वे किसान निधि में 2,000 रुपये की बढ़ोतरी हो या सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ोतरी हो या महिला सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन हो। और भी सुनिए, चौधरी ने बताया कि शिक्षक भर्ती में भी महिला रिजर्वेशन 50% कर दिया है और पुलिस भर्ती में भी महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन दिया गया है। अब बात करें पानी की, तो पानी में भी कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि पिछले 6 महीनों में भाजपा की सरकार ने प्रदेश में जल उपलब्धताओं के लिए नए युग की शुरुआत की है। कांग्रेस ने पिछले 5 साल में जनता को गुमराह किया है, जबकि भाजपा सरकार ने ERCP के नाम पर तुरंत कार्रवाई की है। इसका लाभ पूर्वी राजस्थान के 21 जिलों के करोड़ों लोगों को मिलेगा। हरियाणा सरकार के साथ यमुना जल समझौते के लिए भी MOU भी किया गया है, जिससे शेखावाटी अंचल के 4 जिलों को फायदा मिलेगा। गौरतलब है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने विधायक दल की बैठक के बाद मौजूदा सरकार पर अधिकारियों पर गंभीर आरोप तक भी लगाए थे। ऐसे में अब गोविंद सिंह डोटासरा के इस तीखे बयानबाजी की जिस तरह से PhD मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने जो प्रतिक्रिया दी है, उस पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।